फ्रेंड्स वेलकम टू मैथ फॉर यू यूट्यूब चैनल रे। तो आज हमें यही वीडियो रे डिस्कस करिबा क्लास 10 रो न्यू सिलेबस विषय रे। तो फ्रेंड्स हमें माने तो समस्त जानिचू गत वर्ष मींस 2020-21 रे जो सिलेबस रहीथिला सेतिर कोविड 19 जोगु 30% को रिड्यूस करा जाइथिला। तो सही बोली यही वर्ष मध्य 2020-22 रे जो सिलेबस रहीछि एतिर मध्य 30% सिलेबस को रिड्यूस करा जाइछि। तो से विषय रे हमें डिटेल से डिस्कस करिबा। तो यार मध्य गोटे नोटिफिकेशन मध्य आसी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा कटक तरफ। चलो से नोटिफिकेशन उपरे टिके नजर पकईदेबा ओ पर जो क्यों विषय रे टॉपिक रिड्यूस होई ताहा डिटेल्स रे आमे जानिबा। देखंतु एही नोटिफिकेशन टा बीएससी ओडिशा तरफ आसी होई डेट देखंतु 23/6/2021 माने गत मास एही नोटिफिकेशन टी आसी होई। तो एथिरे कोन लेखाई छी देखंतु दी रिड्यूस सिलेबस फॉर क्लास IX एंड X ऑफ हाई स्कूल सर्टिफिकेट सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर ऑफ मध्यमा एंड 10th स्टैंडर्ड ऑफ स्टेट ओपन स्कूल सर्टिफिकेट कोर्स एडॉप्टेड फॉर द एकेडमी सेशन 2020-21 विल कंटिन्यू फॉर द एकेडमी सेशन 2021-22। तो गत वर्ष 2020 9th हो 10th हो किंबा प्लस टू प्लस थ्री हो जो तुम्हारे 30% सिलेबस रिड्यूस होता। तो यही वर्ष मध्य 2020-21 भली यही वर्ष 2021-22 सेम तुम 30% सिलेबस रिड्यूस होती। नेक्स्ट देखु इन एडिशन द पोएम वंदे उत्कल जननी विल बी इनक्लूडेड इन द फर्स्ट लैंग्वेज ओडिया FLO सिलेबस फॉर बोथ क्लास IX एंड X मीन्स एथिरे तुमर आउ गोटे पोएम एड हो जाइछि FLO ओडिया सब्जेक्ट रे क्लास 9th एवं 10th उभय श्रेणी रे गोटे नुआ पोएम एड होइछि। से पोएम रो नाम होउछि वंदे उत्कल जननी। नेक्स्ट देखिबा क्यों क्यों सब्जेक्ट रो के को टॉपिक टार रिड्यूस होइछि से विषय रे आलोचना करिवा। फास्ट देखंतु आमर ओडिया FLO जोटा अछि पद्य विभाग रे रिड्यूस होईछि। आपण रिड्यूस टॉपिक टा डाहाण पास पर लेखा जे देखंतु पद्य एक अछि भीमंक सिंहनाद रोडी एवं द्वितीय रे अछि जागबंधन हरा। ए दुई पद्य टी रिड्यूस होईछि। तापर देखंतु गद्य विभाग गद्य विभाग रे गुटिए दीटा टॉपिक रिड्यूस होई जोटा कि गोटे हला सभ्यता और विज्ञान एवं मातृभाषा और लोकशिक्षा। नेक्स्ट देखंतु गल्पर गोटे पाठ रिड्यूस होई जोटा कि कालर कपोल तले एवं एकांकिकार गोटे होई जोटा कि फल्गु एवं माध्यमिक व्याकरण गोटे गोटे रिड्यूस होई जोटा कि रूढ़ी और लोकवाणी। यह थिला आपणकर FLO जोटा कि ओडिया फर्स्ट लैंग्वेज ओडिया रो केतडी टॉपिक रिड्यूस होई से विषय रे। नेक्स्ट देखिबा देख आम इंग्लीश रो डिटेल टेक्स्ट रे सर्वमोट 10 टॉपिक थिला से 3 टॉपिक को काटि दिया है छि। गोटे हला दी फ्लावर स्कूल द्वितीय टी हला एयर पोल्यूशन तृतीय टी हला स्कूल्स गुड बाय। ताकु देखो बामो बाष्प रे मार्क कर दउ छि जोटा कि 7 नंबर हला दी फ्लावर स्कूल तापर अछि। नेक्स्ट 8 नंबर एयर पोल्यूशन एवं 10 नंबर अछि स्कूल्स गुड बाय। तापर नॉन डिटेल टेक्स्ट रे सर्वमोट 5 टॉपिक मध्यरु गोटे टॉपिक को काटि दिया है छि। देखो डाण पास पर मैं मार्क कर दूची ए ग्रैन एच बिग एच हैंस एक् जोटा कि नॉन डिटेल रो 4 नंबर एवं ग्रामर सेक्शन रे जो 10 टॉपिक थिला से 3 टॉपिक को काटि दिया है। टेंस रिविसिटेड नॉन फिनेटिव भार फॉर्म्स आउ तृतीय रहला फ्रेजल फॉर्म्स जोटा कि आमर बाम पास रे मैं मार्क कर दूची। टेंस रिविसिटेड प्रथम पढ़ला चतुर्थ रे नॉन फिनेटिव भार फॉर्म्स एवं 6 नंबर टॉपिक ला फ्रेजल बार ये सब। नेक्स्ट देखिए हमर थर्ड लैंग्वेज हिंदी जोटा कि पद्य विभाग रे 6 टॉपिक थिला से गोटे टॉपिक को काटि दिया है। टॉपिक रो ना देखो कांटे कम से कम मत बो जोटा कि 6 नंबर टॉपिक थिला पद्य विभाग रो। तापर देखिबा गद्य विभाग रे सर्वमोट 5 टॉपिक थिला बेले ता 2 टॉपिक को काटि दिया है। ये गोटे हला बोध एवं द्वितीय टी हला गिल्लू जोटा कि बोध होउची हम गद्य विभाग रो द्वितीय टॉपिक थिला एवं गिल्लू थिला चतुर्थ टॉपिक। ए 2 टॉपिक को काटि दिया है। तापर माध्यमिक हिंदी व्याकरण रो सर्वमोट 12 टॉपिक थिला से 4 टॉपिक को काटि दिया है। गोटे हला रूप विचार वाक्य विचार अनुवाद एवं 4 नंबर हला अपठित पाठ। नेक्स्ट देखंतु थर्ड लैंग्वेज संस्कृत रे सर्वमोट 5 टॉपिक थिला गद्य विभाग रे एवं गद्य विभाग रे 2 टॉपिक को काटि दिया है। गोटे हला बक कुली रक कथा एवं द्वितीय टी हला भौतिकम पर्यावरणम एटा थिला 2 टॉपिक को काटि दिया है। जोटा कि गोटे द्वितीय एवं तृतीय टॉपिक को काटि दिया जाइछि।
नेक्स्ट देखिबा पद्य विभाग। पद्य विभाग रे सर्वमोट दुईट टॉपिक थिला बेले सेथिर गुटे टॉपिक को काटि दिया जाइछि जोटा कि युधिष्ठिर यक्ष संवाद हो। देखो मु बाम बाष्परे मार्क कर दउछि द्वितीय टॉपिक युधिष्ठिर यक्ष संवाद हो। नेक्स्ट देखंतु अनुच्छेद विभाग। अनुच्छेद विभाग रे सर्वमोट 10 टॉपिक थिला बेले सेथिर तीनटा टॉपिक को काटि दिया जाइछि गुटी हैला सर्वंशहा, द्वितीय हैला किंग फलमस्ति दानस्य, तृतीय हैला जोशो देहेन जीवती। देखो मु बाम बाष्परे मार्क कर दउछि सर्वंशहा, किंग फलम अस्ति दानस्य, जसो देहेन जीवति। नेक्स्ट देखंतु व्याकरण विभाग रे द्वितीय टॉपिक जो समास अछि समास रु कोटिछि अव्ययी भाव, द्विगुहु एवं तृतीय हैला द्वंद्व। ए तीनटा कोटि जाइछि एवं तृतीय जो कृदंत अछि कृदंतर केवल तीन ए गोटे ही कोटि। नेक्स्ट देखो इतिहास रे सर्वमोट 4 अध्याय अछि सेथिरु देखो 3 नंबर अध्याय रे रहितबा 2000 ख्रीष्टाब्द पर्यंत स्वाधीनता परवर्ती भारत। सी अध्याय रु 2टा चैप्टर कोटि जाइछि माने सी अध्याय रे सर्वमोट 5 पाठ थिला बेले सेथिरु 2टी चैप्टर कोटि जाइछि गुटी हला देशीय राज्य मानकर मिश्रण बाम पासरे देखि पारथिबे, द्वितीय टी हला गुआ ओ पुडुचेरी रो मुक्ति। माने तुम्हें देखो तुम्हारे तृतीय अध्याय रो प्रथम पाठ एवं तृतीय पाठ कोटि जाइछि संपूर्ण पाठ कोटि नाही केवल प्रथम एवं तृतीय पाठ कोटि जे तृतीय अध्याय रो। नेक्स्ट देखो राजनीति। राजनीति रे टोटल 4 टॉपिक अछि सेथिर जो तुम्हारे फास्ट टॉपिक भारत रे स्वाधीनता परवर्ती राज्य पुनर्गठन सेटा तुम्हारे बाद जाइछि बा कोटि जाइछि। नेक्स्ट देखो आसिला भारत रे वैदेशिक नीति। देखो तुम्हारे 4 नंबर चैप्टर रे अछि सेथिर पूरा कोटि ने सेथिर गोटे पार्ट कोटिछि ताहाला भारत रे युक्तराष्ट्र अमेरिका ओ रूसिया सहित संपर्क से टॉपिकटा तुम्हारे एठी काटि दिया हिछि। नेक्स्ट देखो भूगोल। भूगोल रे सर्वमोट 8 चैप्टर थिला बेले से 8 चैप्टर रु 3टा चैप्टर को काटि दिया जाइछि गोटे हला देखो जैव संबल, जल संबल, विनिर्माण उद्योग। देखो जैव संबल रे 2टा पाठ जो अछि अरण्य संबल, वन्य प्राणी संबल से 2टा जैव संबल अंतर्भुक्त तेणु जैव संबल पूरा से 2टा पाठ को काटि दिया जाइछि। देखो एथिरे सर्वमोट 3टा कटिला गोटे हला जैव संबल, जल संबल एवं सप्तम अध्याय रे थिबा विनिर्माण उद्योग ए 3टा को काटि दिया जाइछि। नेक्स्ट देखिबा अर्थनीति विभाग। नेक्स्ट देखो अर्थनीति। अर्थनीति रे सर्वमोट 2टा चैप्टर अछि से 2टा चैप्टर रु गोटे चैप्टर संपूर्ण कटि जाइछि जेउटा कि हला अर्थनैतिक व्यवस्था। प्रथम चैप्टर टी अछि अर्थनैतिक विकास, द्वितीय चैप्टर हला अर्थनैतिक व्यवस्था। अर्थनीति रो जो द्वितीय चैप्टर अर्थनैतिक व्यवस्था अछि से अर्थनैतिक व्यवस्था रो 4टा पाठ संपूर्ण भाबे कटि जाइछि जद्वारा आपण केवल गोटे अर्थनैतिक विकास ही पढ़िबे। नेक्स्ट देखो तुम जीव विज्ञान। जीव विज्ञान रे सर्वमोट 10 चैप्टर थिला बेले सेथिरु 3टा चैप्टर को काटि दिया जाइछि गोटे हला वंशानुक्रम विवर्तन, शक्तिर उत्स, प्राकृतिक संपदर संरक्षण। देखो बाँ पासपरे सप्तम अध्याय वंशानुक्रम विवर्तन, अष्टम शक्तिर उत्स एवं दशम अध्याय अछि प्राकृतिक संपदर संरक्षण एही 3टा चैप्टर को संपूर्ण रूपे काटि दिया जाइछि। नेक्स्ट देखो भौतिक विज्ञान रो सर्वमोट 9 चैप्टर थिला बेले सेथिरु कोन कटिछि देखो प्रथम टी हला धातु ओ अधातु रो 3.5। देखो 3.5 रे कौन अछि 3.5 रे अछि संख्यारण एवं नेक्स्ट अछि संख्यारण रो प्रतिरोध ए 2टा को काटि दिया जाइछि। नेक्स्ट देखो तुम्हारे कार्बन ओ एहार यौगिकर कौन कटिछि देखो 4.2.3 माने मु शो कर दिछि देखो कार्बन सहित बंधुता यह तुम्हारे कटि जाइछि। तापर नेक्स्ट देखो 4.2.4 माने होमोलोगस श्रेणी ए 2टा कटिछि। तापर नेक्स्ट देखो 4.2.5 जो अच्छी सेटा होची देखो कार्बन यौगिक गुड़िकर नामकरण पद्धति ए 3टा कोटि काटि दिया हैची। नेक्स्ट देखो मानव चक्षु वर्णजग जहाँकि संपूर्ण अध्याय। नेक्स्ट देखो विद्युत स्रोतर चुंबकीय प्रभाव जो टॉपिक रो कि 9.7 एवं 9.8 को काटि दिया मुझे देखो शो कर दे 9.7 रो हला विद्युत जेनेरेटर जोटा काटि दिया 9.8 जोटा अच्छी गृह विद्युत परिवर्त ए 2टा टॉपिक को काटि दिया जाइछि। नेक्स्ट देखो आम माध्यमिक बीजगणित रे सर्वमोट 7 अध्याय थिला सेथिर कोन कटिछि देखो प्रथम अध्याय रो 1.6 माने अण सरल रेखीय सह समीकरण मु देखे दउछि आपन को देखो 1.6 जो अछि अण सरल रेखीय सह समीकरण देखो 1.6 रे अण सरल रेखीय सह समीकरण अछि एथिरु जो उदाहरण अछि उदाहरण 8 हला उदाहरण 9 हला तापरे आमर जो अछि
अनुशीलन 1 बी रे जो 4 नंबर क्वेश्चन रे जो 12 टा क्वेश्चन थिला से सब मध्य कोनोसी टी भी परीक्षा रे आसीबो नै कारण से सब नंबर होची अनुसरण रेखीय सह समीकरण नंबर गुडाको तेनो ताको प्रैक्टिस करबा नै नेक्स्ट देखो तुम्हारे प्रथम अध्याय रो जो अच्छी 1.7 अण सरलरेखीय सह समीकरण समाधान युवा पाटीगणित या 1.7 काटि दिखाई तापर नेक्स्ट देख तुम द्वितीय अध्याय कौन अच्छी द्विघात समीकरण कौन कटी देख 2.8 मैंने मुझे देखे देखिए देख द्विघात समीकरण 2.8 है द्विघात समीकरण रूप से रूपातरण यार उदाहरण 9 हो 10 हो 11 हो कौन सीटा भी एग्जाम आसवे ना तापर देख मु देखे दूची अनुशीलन जो अच्छी आपंकर अनुशीलन 2B र 17 नंबर जो 17टा क्वेश्चन अच्छी यह कौन सीटा भी एग्जाम आसो ना नेक्स्ट आम देखिए देख तृतीय अध्याय कौन अच्छी समांतर प्रगतिर कौन कटिची ना 3.3 मुझे देखे दूची आपन को 3.3 मान कौन अंतर सूत्र उदाहरण 10 हो 11 हो कि जो सूत्र गुड़ाक अच्छी एन संख्यक गणन संख्यार जोगफल हो कि एन संख्यक अजुम गणन संख्यार जोगफल हो सब किसी तुम परीक्षा आसो ना कि 3.3 रो उदाहरण अच्छी 11 12 13 14 15 एगुड़ा कि तुम परीक्षा आसो ना नेक्स्ट देख पंचम अध्याय कौन अच्छी परिसंख्यान कौटा कौन 5.2.1 रे थिबा सोपान विच्युत प्रणाली मुझे देखे दूची आपको जो पंचम अध्याय जो 5.2.1 रे जो अच्छी ये देख सोपान विच्युति प्रणाली जो ये कहा तमाने उदाहरण 6 है जोटा कही सोपान विच्युति प्रणाली स्थिर करने को यहाँ आसवनी तापर उदाहरण 7 है यहाँ आसवनी कहीं एक्सरसाइज 5A रे 10 नंबर क्वेश्चन को देख 10 नंबर क्वेश्चन रे कौन कही सोपान विच्युति करने से आसबार ना ठीक से परी 10 नंबर 11 नंबर 12 नंबर यही नंबर भितर कौन सीटा भी परीक्षा आसबार ना आउ गोटे नंबर अच्छी जोटा कि 15 नंबर देख सोपान विच्युति प्रणाली में स्थिर करने कही तेणुक यह आसब ना तो यहपर भाव में एक्सरसाइज 5A रो 4टा नंबर आसवनी तुम एग्जाम नेक्स्ट देख 5.2.2 रे थिबा ओजाइफ देख मुझे शो कर देउजी राशिकृत बारंबारता सूचक लेख ओजाइफ साहाज्य मध्यमा निर्णय कर एथिरे देख उदाहरण 16 को देख लेखचित्र साहाज्य ये मध्यमा निर्णय कहुई तुम देखिपुब ये लेखचित्र माध्यम ये मध्यमा निर्णय करने कहुई से देख 5B रो नंबर 9 हो नंबर 10 हो सेठी कौन कर लेखचित्र माध्यम मध्यमा निर्णय करने कहुई ता छाड़ीदेव नेक्स्ट देख आउ गोटे नंबर अच्छी जोटा कि नंबर 12 देख नंबर 12 मध्ये लेखचित्र अंकन करी मध्यमा निर्णय करने कहुई मान तुम 9 नंबर 10 नंबर और 12 नंबर को छाड़देव कहीं तुम एग्जाम आसबार ना नेक्स्ट देखिए तुम षष्ठ अध्याय स्थानांक ज्यामिति षष्ठ अध्याय कौन कटिची 6.5 देख मुझ तुमको शो कर देउची 6.5 मान कौन त्रिभुजर क्षेत्रफल तुम षष्ठ अध्याय सर्वमोट 3 एक्सरसाइज अच्छी 6 रो ए 6 रो बी एवं 6 रो सी माने तुमको ये मुझे कहीदे 6 रो बी पर्यटन तुम प्राक्टिस कर 6 रो सी को प्राक्टिस करना कारण देख तुम देखिए कौन 6.5 रो त्रिभुजर क्षेत्रफल माने 6 रो सी रे सब गणित गुड़ाक त्रिभुजर क्षेत्रफल को आधार कर प्रश्न देसी नेक्स्ट देख तुम सप्तम अध्याय सड़क सुरक्षार कौन घटी 7.4 रे कौन अच्छी तुमको देखे दूसरी देख दुई चलराशि विशिष्ट समस्या माने ताल जो उदाहरण अच्छी ता कर तुम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 11 हो किंबा क्वेश्चन नंबर 13 हो तो एगुड़ाक सब छाड़देव कहीं एगुड़ाक दुई चलराशि विशिष्ट समस्यार अंतर्गत तेणुक एगुड़क छाड़देव तापर नेक्स्ट देख तुम ज्यामिति विभाग प्रथम अध्याय ज्यामिति रे सादृश्य प्रथम अध्याय कौन कौन घटी 1.1 1.2 1.3 1.4 रे थिबा उपपाद्य अनुसिद्धांत और प्रमेय गुड़िकर प्रमाण एवं 1.7 रो संपूर्ण कटि जाइछि त माने मुझे तुमको देखे दूसरी 1.1 रु 1.4 माने देख तुम बही फास्ट पेज रु तुम एक्सरसाइज 1 रो बी रो पूर्व पर्यंत जेतिकी आमर उपपाद्य हो किंबा अनुसिद्धांत हो किंबा प्रमेय सबु गुड़ाक तुम ये बाद दि जाए माने से कौन उपपाद्य अच्छे देख उपपाद्य 1 रु 3 पर्यंत को सब काटि जापर प्रमेय कौन अच्छी देखु प्रमेय 1.1 प्रमेय 1.2 अच्छी एवं से शतक भितर जी अनुसिद्धांत रहा से सब गुड़ा तुम
କଟିଗଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ବୃତ୍ତ, ବୃତ୍ତର କ'ଣ ଘଟିଛି ଦେଖ, 2.1 ଓ 2.2ର ଉପପାଦ୍ୟ 7 ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ପ୍ରମେୟ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରମାଣ। ମାନେ ଦେଖ ତୁମର ଏଠି ଅଛି ପ୍ରମେୟ 2.1, ତାପରେ ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ରେ ଅଛି ପ୍ରମେୟ 2.2 ଅଛି, ତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେବ। ନେକ୍ସଟ ପେପର୍ରେ ଦେଖ ପ୍ରମେୟ 2.3 ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେବ। ତାପରେ ଦେଖ ଉପପାଦ୍ୟ 7, ଯେଉଁ ଉପପାଦ୍ୟ 7 ଅଛି ତାକୁ ଓ ତା ସହିତ ଥିବା ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରମେୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେବ, ସେଇଟା କିଛି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଦେଇଛି ତୁମର 2.6ରୁ 2.8ରେ ଏଇଟର ପ୍ରୟୋଗ ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରମାଣ। ତାମାନେ ଦେଖ ତୁମର 2.6 ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, 2.6ରୁ 2.8 ବୋଲି କହିଛି, ମାନେ ଦେଖ ତୁମ ଏକ୍ସରସାଇଜ 2ର ବିର ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ପ୍ରମେୟ ଅଛି କିମ୍ବା ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଛି ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ା ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଛାଡ଼ିଦେବ, କାହିଁକିନା ସେଇଟା କହିଛି 2.6ରୁ 2.8 ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଯାହା ସବୁ ପ୍ରମେୟ ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ତୁମର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ବୃତ୍ତର ସ୍ପର୍ଶକ, ବୃତ୍ତୀୟ ସ୍ପର୍ଶକ କ'ଣ ଅଛି, 3.1ଠାରୁ 3.7ରେ ଥିବା ଉପପାଦ୍ୟ 15 ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରମେୟ ଓ ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରମାଣ। ମାନେ ଦେଖ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ବୃତ୍ତକର ସ୍ପର୍ଶରେ 3.1ରୁ 3.7 ମାନେ ତୁମ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଅନୁଶୀଳନୀ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ପ୍ରମେୟ ଅଛି କିମ୍ବା ଯେତିକି ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଛି ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରମାଣ ଗୁଡ଼ାକ ଛାଡ଼ିଦେବ, ଏବଂ ଉପପାଦ୍ୟ 15 ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଉପପାଦ୍ୟ 15କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଛାଡ଼ିଦେବ। ତାପରେ ଦେଖ ତୁମର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ତ୍ରିକୋଣମିତି ଆସିଲା, ତ୍ରିକୋଣମିତିର କ'ଣ ଘଟୁଛି ଦେଖ, 4.10ର ଉଦାହରଣ 19, 20, 21 ଏବଂ ଅନୁଶୀଳନୀ 4Cର ଖ ବିଭାଗ। ମାନେ ଦେଖ 4.10 ମାନେ ଆମ ଏକ୍ସରସାଇଜ 4A ଏବଂ 4Bର କିଛି ମଧ୍ୟ କଟିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ଅଛି 4.10 ଉଚ୍ଚତା ଓ ଦୂରତାର ଉଦାହରଣ ହେଲା 19, ଯେଉଁଟାକି ଦେଇଛି 19, 20 ଏବଂ 21, ଏ ତିନିଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ, ଏବଂ ତୁମେ ଅନୁଶୀଳନୀ ଯେଉଁ 4Cର ଦେଇଛି ଖ ବିଭାଗ, ତା'ର ଯେଉଁ 7ରୁ 16 ନମ୍ବର ଅଛି ସେ ସବୁ ନମ୍ବରକୁ ତୁମେ ଛାଡ଼ିଦେବ। ଆଉ ତାହେଲେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର କେବଳ 7Cର କେବଳ କ ବିଭାଗ ହିଁ ଆମେ କରିବା, ଖ ବିଭାଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏହି ମ୍ୟାଥ୍ ଫର୍ ୟୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ଗଣିତ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦିସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ସ, ପ୍ଲିଜ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।